गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 मॉइस्चराइजर जो कि है ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन कौन से हैं ये मॉइस्चराइजर जिन्हें मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी प्रोडक्ट के डायरेक्ट लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो मेक श्योर उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हों। तो मेरा पहला मॉइस्चराइजर है इस लिस्ट में बायो ऑयल, तो ये है 60 ml का, यानी कि इसका छोटा साइज़, और इसका प्राइस है 425 rupees। मैंने जब से बाय किया था तब ये 425 का था, अभी ये 300+ का है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। फ़िलहाल मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरी ड्राई स्किन नहीं है, मेरी वैसे तो नॉर्मली ऑयली स्किन है, बट अभी विंटर की वजह से कॉम्बिनेशन हो गई है, बट फिर भी मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। बट मुझे इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हों तो उन्हें रिमूव करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है आर्गन ऑयल। तो वैसे आर्गन ऑयल होता है ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है, अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तब भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये है न्यासा का आर्गन ऑयल, और इसका प्राइस है कहाँ मेंशन किया गया है, इसका प्राइस है 149 rupees, जिसमें आपको 5 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। वैसे आर्गन ऑयल के बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप ब्राइड हैं या होने वाली ब्राइड हैं तो आप आर्गन ऑयल को एक बार ट्राई ज़रूर करें। वैसे मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है इसकी बॉटल, बट अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप आर्गन ऑयल को यूज़ कर सकती हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ओले की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और इसका प्राइस है 299 rupees, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। क्योंकि इस क्रीम का जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये आपके लिए परफेक्ट मॉइस्चराइजर है। बट अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो ये आपके लिए इनफ नहीं होगा, आपको हो सकता है थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की नीड हो। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो ये परफेक्ट है किसी भी सीजन के लिए, विंटर में भी और समर में भी। इस वीडियो का नेक्स्ट प्रोडक्ट है लैक्मे एब्सोल्यूट आर्गन ऑयल रेडियंस ऑयल इन क्रीम, तो इसका प्राइस है 799 rupees, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इस क्रीम का टेक्सचर भी बहुत थिक है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट मॉइस्चराइजर है। वैसे इसे ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस क्रीम को यूज़ करें। बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है तब आप इस क्रीम को ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। बट अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो इन सभी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसके बाद ही उसे अपने फेस पे या अपनी स्किन पे अप्लाई करें। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लॉसम कोचर अरोमा मैजिक का ब्यूटीफुल स्किन ऑयल, और इसका प्राइस है 375 rupees, जिसमें आपको 20 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। और ये ऑयल ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देख सकें तो मैंने इसे इतना फिनिश्ड कर दिया है, और फिलहाल अभी मैंने इसे यूज़ करना बंद कर रखा है क्योंकि मैं अभी कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसे ट्राई कर रही हूँ, तो अभी मैंने इसे यूज़ करना बंद कर रखा है। बाकी इसका वर्क और ये ऑयल तो है, बट इसमें बिल्कुल भी ऑयलीपन या चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप चाहें तो आप इसे भी ट्राई कर सकती हैं। वैसे अगर आप ऑयली स्किन की हैं, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, किसी भी स्किन टाइप के हों, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन, मैं हर बार यही बोलूँगी कि अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तब आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले मेक श्योर ज़रूर कर लें कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, या कहीं ये आपके फेस पे पिंपल्स की वजह तो नहीं बनेगा, या आपके फेस को कोई हार्म तो नहीं पहुँचाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जानना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।